मोरल वैल्यूज की बुक पेज नंबर 16, फ्रैंक एंड मार्टिन। इस कहानी के अंदर एक बच्चा रहता है और एक आध बूढ़ा व्यक्ति रहता है। इन दोनों के ऊपर कहानी है और बच्चे को फल खाना होता है और वो सोचता है कि इस बगीचे से हम फल फल ले लें। और एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है, उसका बगीचा रहता है, वो बहुत बूढ़ा हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है। तो उस बच्चे से बोलता है कि ठीक है, तुमको मैं सीढ़ी दे रहा हूं और तुम इस पे चढ़ के फल तोड़ो, और जितने फल तोड़ोगे उसका आधा मुझे दे दोगे। ये डील करते हैं लोग, तो इस तरीके से कहानी है। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और जो मैं वीडियो इसकी बना रहा हूँ, ये यूट्यूब पे है। मेरी वीडियो जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेम एज इट इज यूट्यूब पे रखा हुआ है। अगर किसी को अपने दोस्त को सेंड करना है तो मेरे चैनल पे जाकर आप सेंड कर सकते हो। आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे चैनल का नाम, क्योंकि बाद में अगर आप लोग कोई भी स्टोरी समझना चाहो, पढ़ना चाहो, तो आसानी से देख सकते हो और समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। Once upon a time, there was a young boy named Frank who lived in a valley where lots of fruits trees grew. Once upon a time, एक समय की बात है। There was a young boy named Frank. एक यंग बॉय था, उसका नाम क्या था? फ्रैंक। Who lived in a valley? वो कहाँ रहता था? उस घाटियों में रहता था जहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ थे। फ्रैंक would often try to climb up a tree to eat a fruit they thought produced. Frank नाम का जो बच्चा है वो हमेशा ट्राई करता था पेड़ पे चढ़ के फल खाने की, ठीक है, पर वो ऐसा कर नहीं पाता था। बट द मोस्ट एपेटाइजिंग fruit were on the very tall tree that Frank couldn't reach. वो इसलिए कोशिश करता था क्योंकि उसे भूख लगी होती थी फलों को देखकर, और वो चाहता था कि वो फल को क्या करे, फलों को खा ले। इन द वैली An elderly man named Martin also had a few fruit trees that looked after very carefully. उसी घाटी में एक मार्टिन नाम का व्यक्ति रहता था, बूढ़ा व्यक्ति रहता था, ठीक है, और उसके कुछ फलों के बगीचे थे। उसके फलों के कुछ बगीचे थे। वो क्या करता था? अपने फलों के बगीचों को बड़े ध्यान देखभाल बड़े ध्यान से करता था। बट एज ही वॉज गेटिंग ओल्डर ही बिगेन टू नोटिस दैट द ली लैक्ड लैक्ड ऑफ स्ट्रेंथ लैक्ड ऑफ स्ट्रेंथ टू पिक द फ्रूट। मगर उसने ये महसूस किया कि वो धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया था, और उसने ये महसूस किया कि मैं अब फलों को देखभाल करने में मेरे मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी ताकत है, वो कम हो गई है। मैं फलों की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, और जो फल गिर रहे हैं उनको भी उठाने में मेरी ताकत नहीं, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि उन फलों को भी मैं उठा सकूँ। फॉर इट इट वॉज वेरी ट्राइनिंग वर्क। और क्यों? क्योंकि वो जो फल गिरते थे उनको उठाता था, तो एक जगह से दूसरे, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, ऐसे बगीचे बहुत बड़े थे इसके। और ये जब उठाने की कोशिश करता था फलों को तो ये थक जाता था। मार्टिन हैड सम ऑफ अ बिगेस्ट एंड मोस्ट डिलीशियस फ्रूट ट्री इन अ वैली। मार्टिन के पास इस वैली में सबसे बड़े बड़े पेड़ और सबसे डिलीशियस फ्रूट वाले पेड़ थे। Which was why Frank had his eye on them.
और जो फ्रैंक था वो आई ऑन डैम करके रखता था, यानी कि उन पेड़ों पे निगाह लगा के रखा था कि कभी तो इन पेड़ों के फल खाने को मुझे मिलेंगे। सो वन डे ही डिसाइडेड टू ट्राई टू रीच हिज फ्रूट एंड स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन द ट्रंक। सो वन डे ही डिसाइडेड टू ट्राई टू रीच द फ्रूट। तो एक दिन वो पेड़ों को, सबसे स्वादिष्ट पेड़ और सबसे बड़े बड़े पेड़ थे और सबसे स्वादिष्ट फ्रूट के पेड़ थे, तो एक दिन वो डिसाइड करता है कि मैं क्या करूंगा, उन पेड़ों के पास जाऊंगा और इन पेड़ों के पास जाने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं फल तोड़कर खाऊंगा। इसलिए वो पेड़ों के पास जाता है और वो क्या करता है, फल तोड़ने के लिए उस पे जंप करने लगता है, उस पे जंप करने लगता है और जंप जंप जब करता है, जंप जब करता है, तो वो फलों के पास पहुंच नहीं पाता है। कहाँ नहीं पहुंच पाता, फलों के पास पहुंच नहीं पाता है। मार्टिन हैज सम ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट डिलीशियस फ्रूट ट्री इन अ वैली विच वाज अ फ्रैंक ही हिज ग्रिप ऑन आई ऑन देम। सो वन डे ही डिसाइडेड टू ट्राई टू रीच द फ्रूट्स एंड स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन ट्रंक। इतना मैंने पढ़ा दिया था कि वो मार्टिन के पास इस वैली में सबसे ज्यादा जूसी जूसी फ्रूट के पेड़ थे, ठीक लिए इसलिए जो फ्रैंक था वो हमेशा उन पेड़ों पे अपनी निगाह या घात लगा के बैठा था कि किसी दिन तो इसमें के फल मैं खाऊंगा। एक दिन क्या करता है, वो डिसाइड करके जाता है पेड़ों के पास और फल तोड़ने के लिए उस पे जंपिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मार्टिन वाज लुकिंग आउट आउट ऑफ द विंडो। जब वो जंपिंग कर रहा था तो मार्टिन खिड़की से बैठ के सारा कुछ दृश्य देख रहा था। रियलाइज दैट द यंग बॉय वॉज ट्राइंग टू स्टील फ्रूट फ्रॉम हिज ब्यूटीफुल ट्रीज। और वो ये देख रहा था कि एक बहुत ही सुंदर बच्चा है, मगर वो क्या करना चाह रहा है, मेरे पेड़ों में से फल चुराना चाह रहा है। ठीक है, बट हाउ एवर मच फ्रैंक जंप ही कुडंट रीच इवन अ लोएस्ट ब्रांचेस ऑफ सच एज अ बिग ट्री। वो क्या कर रहा था कि वो मार्टिन अपनी खिड़की से बैठ के सारा दृश्य देख रहा था कि एक बच्चा है जो कि मेरे बगीचे में आ गया है, वो फलों को तोड़ने के लिए जंपिंग कर रहा है मगर वो जंप नहीं कर पा रहा, वो फल चुराना चाहता है मगर चुरा नहीं पा रहा है। ठीक है, और वो बड़े बड़े पेड़ है और उसकी हाइट छोटी है, जो ब्रांचेस नीचे लटकी हुई है उन ब्रांचेस से भी वो क्या कर रहा, फल नहीं चुरा पा रहा है। ठीक है, ये सब देखने के बाद मार्टिन हैड ए ग्रेट आइडिया। ये सब देखने के बाद मार्टिन के पास, जिसकी जिसका बगीचा था, उसके पास एक बहुत ग्रेट आइडिया आया। ठीक है, वो आइडिया क्या था, ही ऑफर फ्रैंक ए लेडर टू कम अप। उस फ्रैंक को उसने क्या क्या लेडर यानी सीढ़ी दी और बोले कि उसने बोला है कि ये सीढ़ी लो और ये सीढ़ी लेकर तुम चढ़ जाओ। बट इन रिटर्न ऑफ वाई वुड हैव टू गिव हिम हाफ ऑफ वट एवर ही पिक। मगर उन दोनों में एक बीच में डील हुई कि जो कुछ भी तुम उठाओगे उसमें से मुझे आधा दे दोगे, जो कुछ भी तुम उठाओगे उसमें से मुझे आधा दे दोगे, यानी जितने भी फल तुम उठाओगे उसमें से आधा फल मुझे दे दोगे। ओनली देन वुड मार्टिन कंटिन्यू लीडिंग हिम द लेडर। ठीक है, अब ये काम उसने चालू कर दिया, वो जाता था, लेडर लगाता था, फल तोड़ता था, जो आधा होता था वो मार्टिन को देता था। फ्रैंक एक्सेप्टेड द डील एंड सेट द वर्क कलेक्टिंग द फ्रूट। और फ्रैंक को ये डील बहुत ही पसंद आई। फ्रैंक को ये डील बहुत ही पसंद आई और फ्रैंक ने बोला, ठीक है, ये डील मुझे पसंद है, मैं जितने भी फल उठाऊंगा उन फलों में से आपको आधा आपको दे दूंगा। ठीक है, एंड फॉर वन होल मॉर्निंग ही वेंट अप एंड डाउन द लेडर फिलिंग हिज बास्केट विद द फ्रूट दे वुड देन शेयर बिटवीन देम। और जब भी वो वहां जाता था, बास्केट में फल भरता था, फल भरने के बाद वो क्या करता था, वो शेयर कर लेता था आपस में। फ्रैंक सून रियलाइज दैट द कुड ईट डबल और डबल द फ्रूट ही इफ ही डिडेंट हैव टू गिव द मार्टिन हिज शेयर। अब फ्रैंक इतना कुछ करता था, तो इतना करते करते फ्रैंक के मन में एक लालच आ गई। उसने ये सोचा
ऐसा क्यों ना मैं करूं कि मैं सारे फल मैं ही खा लूं और उसका उस मार्टिन को उसका कोई शेयर ना दूं। सो ही थॉट ऑफ अ न्यू सीक्रेट प्लान। तो उसके दिमाग में, उसके शैतानी दिमाग में एक प्लान आई। क्या थी प्लान? मार्टिन ऑन द मार्टिन ऑन द अदर हैंड ट्रस्टेड फ्रैंक एंड इवन बिगेन टू थिंकिंग दे वाई वुड अ फ्रेंड फॉर एवर। उसने बोला कि हम लोग क्यों ना जीवन भर के लिए एक अच्छे मित्र बन जाए, जिससे तुम्हारा भी फायदा और जिससे मेरा भी फायदा है। बट द ग्रीडी बॉय मैनेज द रॉब अ लैडर फ्रॉम अ मार्टिन एंड वेंट ऑफ द अदर ट्रीज इन द एरिया ऑफ मोर फ्रूट। और इतना बोलने के बाद कुछ दिनों बाद उसने क्या किया कि वहां से उसके लेडर को चुरा लिया, सीढ़ी को चुरा लिया। और उसने सोचा कि सीढ़ी चुरा लेंगे और दूसरे पेड़ों पे सीढ़ी लगाकर इन फलों को हम तोड़ तोड़ के खाएंगे। रियलाइजिंग दैट द वाज मिसिंग मिसिंग मार्टिन वेंट लुकिंग फॉर इट। मार्टिन को लगा कि जरूर कुछ मिसिंग है और मार्टिन उसको उस मिसिंग चीजों को चीज को ढूंढ रहा था। और उसने उसे पाया और ग्रैब्ड द लैडर एंड ग्रैब द लैडर। और जो लैडर था उस लैडर को, जो गुम हो गया था उसका लैडर, ठीक है। जो लैडर लेके गायब हो गया था उस लैडर को लेके लैडर के साथ उसको पकड़ लिया और उसको एक खींच के एक तमाचा लगाया, ठीक है। एंड द फ्रैंक सच एज वेक्ट वेक्ट विद इट ऑल ऑल दैट फूड दैट बॉय हैड ईटन कम फ्लाइंग आउट ऑफ हिज माउथ। मार्टिन फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड एंड द थिक एंड नो लॉन्गर ट्रस्टेड फ्रैंक। मार्टिन ये सब चीजें देखकर बहुत ही डिसअपॉइंट निराश निराश हुआ। और अब वो ज्यादा दिन ज्यादा अब मार्ट फ्रैंक पे क्या है विश्वास नहीं कर सकता था। बट ही स्टिल फॉरगिव द बॉय एंड दे लेटर बिकम फ्रेंड्स अगेन। मगर मार्टिन ने बोला चलो ठीक है, तुमने इतनी गलतियां की और इसके बाद इस गलती को मैं भूल जाता हूँ और फिर से हम लोग मित्र बन जाते हैं। फ्रेंड्स अगेन थॉट ही एवर मेट एनी मोर डील्स विथ हिम, ठीक है। और बोला कि चलो हम लोग दोस्त बन जाते हैं और फिर से जिस तरीके से जो डील चल रही थी उसी डील से हम लोग काम करते हैं। बट फ्रैंक लर्न दैट ही कुड नॉट थिक पीपुल एंड दैट प्रॉमिस आर मेड अ बी केप्ट। ही आल्सो लर्न दैट इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट एंड नॉट ग्रीडी ही वुड स्टिल हैव बीन able to enjoy some delicious fruit. Even thought it was only half of what he would have got alone. तो इतना कुछ करने के बाद देखो क्या होता था कि पहले तो मार्टिन मार्टिन को मार्टिन क्या करता था, मार्टिन बोल रहा फ्रैंक, पहले तो उसके पास ना बगीचे थे, ना कोई पेड़ था, ना कोई डील थी, ना कुछ था। तो वो कभी उसको फल मिलता नहीं था, वो तोड़ने की कोशिश करता था मगर फल मिलता नहीं था और ये चोरी कहलाती थी। तो एक दिन मार्टिन ने इसे देखा तो मार्टिन ने इसे लेटर ऑफर कर दिया। लेटर ऑफर करने के बाद बोला ठीक है, वो अपने मन में सोचा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ मगर ये बच्चा है जो जो कुछ तोड़ेगा उससे आधा मैं ले लूंगा और आधा अपने काम में ले लूंगा। तो ये डील इन लोग की फाइनल हो जाती है। बच्चा तोड़ता है और उसको आधा देता है और आधा खुद रख लेता है, यानी फ्रैंक तोड़ता है आधा उसको देता है आधा खुद रख लेता है। मगर फ्रैंक थोड़ा ये सब करते करते फ्रैंक के मन में थोड़ी लालच आ गई। फ्रैंक ने बोला कि ऐसा है कि मैं इसे आधा ना देकर पूरा रख लूं। फ्रैंक ने क्या बोला कि मैं इसे आधा ना देकर पूरा रख लेता हूं। और इसने क्या किया कि एक दिन मौका पाके उसकी सीढ़ी को चुरा लिया। सीढ़ी चुराने के बाद वो सोचा कि इसके बगीचे को छोड़ के दूसरे बगीचे में जितने भी फल लगे हुए हैं उस पर सीढ़ी लगा लगा कर मैं क्या करूंगा सारे फल चुरा के खा लूंगा और इसको इसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ठीक, कहना आसान था करना मुश्किल था। और जब मार्टिन को ये पता चला कि कुछ गुम है और लेटर गुम है और फ्रैंक गायब है तो ये इसने सच लगाने के पता सच लगाया।
तो उसने क्या किया कि सीढ़ी के साथ उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद खींच के दो जोर से एक तमाचा लगाया, और एक तमाचा लगाने के बाद फ्रैंक जो था डिसअपॉइंटेड हो गया, नहीं मार्टिन तो था डिसअपॉइंटेड हो गया, मगर मार्टिन बूढ़ा व्यक्ति था, उसने सोचा कि चलो जो हुआ उसे भूल जाओ, और अब हमें क्या करना है, हमें फिर से दोस्त बनकर और जिस तरीके से हमारी डील चल रही थी उसी तरीके से हमारी डील को आगे बढ़ाना है। फ्रैंक ने सब कुछ छोड़कर उसे माफी मांगी और उसने बोला कि हाँ यार ये बात सही है, क्योंकि पहले तो मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक, और मैं एक भी फल नहीं खा पाता था, मगर तुमसे दोस्ती होने के बाद मेरे को फल मिलने लग गए और मैं खाने लग गया। तो उससे दोस्ती करने के बाद फिर से क्या किया कि उसे दोस्ती किया, फिर मिलजुल के रहा, और हाफ उसे देता था हाफ इसे देता था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला होती है, हमें थोड़े जो हमें मिल रहा है उतने में खुश होना चाहिए। आप ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गवा दोगे, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी गवा दोगे, इसलिए ज्यादा के चक्कर में मत रहो, जितना मिलता उतने में खुश रहो। नहीं तो ये होता है ना कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वाली कहानी का हाल हो जाएगा, कि मुर्गी रोज अंडा देती थी, एक अंडा रोज देती थी, तो उसका मालिक को लगा कि एक एक अंडा रोज दे रही है, मेरे से सब्र नहीं हो रहा है, मैं क्या करता हूँ इसका पेट फाड़ के पूरे अंडे निकाल लेता हूँ। जब तक मुर्गी जी रही थी रोज उसे एक अंडा मिल रहा था, लालच में आकर उसने मुर्गी के पेट में चक्कू मार के और पूरा अंडा निकालने की कोशिश की, तो पेट में से कुछ नहीं निकला, मुर्गी मर गई और उसको अंडा मिलना बंद हो गया। तो एक एक अंडा मिल रहा, एटलीस्ट कुछ तो मिल रहा था, एक अंडा मिल रहा था मगर मिल तो रहा था। अब मुर्गी मर गई तो अब क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। तो इसलिए इंसान को लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, लालच करना बहुत ही बुरी बात होती है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए।